दोस्तों पिछले चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लाया हूँ जहाँ पर मैं आपको अपने गांव दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए, मेरे गांव का नज़ारा है। यहाँ पर मैं रहता हूँ, ये वाला मेरा घर है। तो यहाँ पर मैं रहता हूँ, सामने जो घर दिख रहा है ये रोड के बगल पर, तो ये मेरा ही मकान है। तो दोस्तों ये मैं थोड़ा दूर से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो दोस्तों मेरा ये घर और मेरा ये गांव और मेरी ये गांव की जगह आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं दोस्तों, और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको दिखाऊंगा, तो बने रहे मेरे चैनल पर। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो उधर साइड को जो सामने दिख रहा है वहां पर है भिक्किया सेन, तो उसके आगे मानीला जोरासी, उसके आगे को पूरा दिखता है इधर बासोट, ऊपर बासोट है गांव, तो जहां पर बहुत ज़्यादा बादल लगे हैं बासोट है, तो देख सकता है बहुत ही ठंडे इलाके हैं, तो यहां पर बर्फ़ भी पड़ती है। तो जो ये जहां पर ये बादल दिख रहे हैं यहां पर भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो तभी ये ज़्यादा बादल जो है उधर ही को जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा ठंडा होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुहावना मौसम रहता है यहाँ का, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर से मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख लीजिए ऊपर को है ये टानी, और ये ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। तो ये भी हमारे गांव के इलाके हैं, ये लीजिए दूसरे गांव हैं। तो ऊपर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा जहाँ पर थोड़ा सा कोहरा सा लगा है, तो उसके ऊपर वाले गांव में जो हरीश रावत जी का घर है, जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे पूर्व थे, जो पहले रह चुके हैं हरीश रावत जी, उनका ये घर था यहाँ। इनका घर का नाम है मोहनरी, जो हौली से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसी जगह पर यहाँ पर इनका घर है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये चारों तरफ ये नज़ारा बहुत ही सुहाना, हमारा जो गांव का जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा मेरे को तो लगता है, तो आपको भी बहुत ही अच्छा ये सुहाना मौसम यहाँ का लग रहा होगा। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जो हमारा गांव है बहुत ही प्लेन इलाके में है, और उधर साइड को आपको डडूली गांव दिख रहा होगा, उधर ये सामने डडूली गांव है, और उधर ऊपर जहाँ बर्फ़ जहाँ पर बादल से लगे हैं वहाँ पर घट्टी है, घट्टी जगह का नाम है। और थोड़ा ऊपर यहाँ पर से आपको दिख नहीं रहा होगा, जहाँ पर थोड़ा सा पेड़ के ऊपर जो बादल लगे हैं वहाँ पर है बतरसखान। तो ये चारों तरफ हमारे जगह से दिखने वाली जगह है, और यहीं पर से जो मैंने आपको हरीश रावत जी का घर दिखाया था थोड़ा सा ऊपर, तो इसी के ऊपर इसी के बैक साइड को मोहनरी से ऊपर जो जगह है वहाँ पर भीमसर महादेव का बहुत ही फेमस गांव भी है, मंदिर भी है, और आपको देखेंगे बहुत ही अच्छा जगह यहाँ पर से देखने के जो व्यू है बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। दोस्तों कभी अगर यहाँ आएंगे तो ज़रूर आएंगे आना, तो मैं आपको यहाँ का पूरा विजिट कराऊंगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं जो हमारे खेत हैं इधर साइड को है, नीचे साइड को और कुछ ऊपर साइड को हैं, और हमारे खेत इस जगह में भी हैं, और हमारा जो घर है इधर भी है इसी जगह पर जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पर भी मेरा घर है। तो देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ का जो व्यू है बहुत ही अच्छा व्यू लगता है। यहाँ पर से हम जो भिक्किया सेन को पैदल भी चले जाते थे, यहाँ पर से भिक्किया सेन बहुत ही नज़दीक है। तो देख सकते हैं जो ये इलाके हैं बहुत ही सुंदर इलाके हैं, देखने लायक हैं जगह। तो यहाँ पर से थोड़ा सा ऊपर इन पहाड़ों में चले जाएंगे, यहाँ पर से आपको हिमालय पर्वत बहुत ही आसानी से दिख जाएगा। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अगर देखनी है हमारी जगह की और भी हमारा गांव डिटेल में जानना है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो किसी दोस्त ने मेरे को कमेंट करके बताया था कि भिक्किया सेन मेरे को जगह जगह दिखाइए, तो दोस्तों मैं भिक्किया सेन अभी नहीं दिखा सकता आप लोगों को, कभी मेरा जाने का मौका हो जाएगा तो मैं भिक्किया सेन आपको पूरा डिटेल में दिखाऊँगा, तो अभी मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो अगर कभी जाऊँगा तो आपके लिए पूरी डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। तो आगे वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।